स्वामी परमानंद वे माला तो रात में जपते थे, दिन में खुरपी झोले में डालकर निकलते थे और अपने अपने संपर्क क्षेत्र में पेड़ पौधे लगाते थे। फलस्वरूप वह सारा क्षेत्र हरा भरा बन गया। वे कहते थे यही हमारा भजन फल स्वरूप स्वर्ग जैसी हरियाली पत्यर्ज के आंखों के सामने दिखती है। इसका संदेश मुझे व्यक्ति भजन पूजन तो करे परंतु कुछ कार्य समाज के लिए भी करना चाहिए। बढ़िया भजन कीर्तन से जाके आवश्यक है जीवन में कुछ परोपकार का काम करना, दूसरों की भलाई के लिए काम करना, गरीबों का सहयोग करना, प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को खाना खिलाना, ये भजन कीर्तन से, भगवान का भजन कीर्तन जो है उससे अच्छा काम है, उससे उत्तम कार्य है। ऐसा नहीं कि हम भजन कीर्तन दिन भर करते रहे, रात को भजन कीर्तन करें और दिन में जो है दूसरे किसी को क्षति पहुंचाए, या दिन में जो है भजन कीर्तन करें और रात में चोरी करें, तो इस तरह के भजन कीर्तन से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं बल्कि भगवान और दुखी होते हैं, क्रोधित होते हैं और वह व्यक्ति पुण्य नहीं पाप का भागी होता है। तो व्यक्ति को परोपकार करना चाहिए, दूसरे को सहयोग करना चाहिए। हमें आज के इस प्रेरक प्रसंग से यही सीख मिली है।